का नुकसान पूरा अंदर से पूरा टूट रहा है। दिल्ली के झंडे वालियान मंदिर के पास रामकुमार मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क के किनारे रह रहे लोगों के आशियाने पर तेज रफ्तार टैंकर छड़ गया, जिसमें एक छोटा सा बच्चा और एक बुजुर्ग महिला और एक पुरुषों को गंभीर चोट आई है। फिलहाल इनका कहना है कि हालात हमारी माँ की अभी ठीक नहीं है, लेकिन जो बच्चा और जो व्यक्ति थे उनकी हालात ठीक है। बताया जा रहा है करीबन 70 से 80 की स्पीड से जो टैंकर था वो माल से भरा हुआ था, जो कि दूसरी गाड़ी में टक्कर मारी और जो गाड़ी थी वो झुग्गी झोपड़ी में जाके घुस गई। 2 बजे क्या हुआ था? टैंकर ने मारा। ये झुग्गी आप लोग रहते थे? कितने लोग रहते हैं इसमें? 12-13 लोग। 12-13 लोग। तो कितने लोग घायल हैं अभी इसमें? 2 लोग। 2 लोग। अम्मा हॉस्पिटल में, उनके सीने पे सर में चोट आई है, रात से ही हॉस्पिटल में है। सारे बच्चों को हमने खींच खींच के निकाला, सारे नीचे दबे हुए थे बच्चे, सारा सामान उनके ऊपर ही गिर गया था बच्चों के। मतलब काफी नुकसान हुआ है? बहुत ज्यादा नुकसान, पूरा अंदर से पूरा टूट रहा है, बाहर से देखो ना पूरा बेकार हुआ पड़ा है, पूरी झुग्गी टूट गई। सारे बच्चे स्कूल जाने वाले, उनके पेपर भी मिस हो गए, अब ऐसे में कहाँ जाएंगे। इतनी तेज रफ्तार रही होगी गाड़ी की? 60-70 के आस पास, तो 80 के आसपास स्पीड थी उसकी गाड़ी की। नहीं ऐसा तो नहीं, कोई ब्रेक वगैरह तो नहीं फेल हुई थी कुछ गाड़ी? नहीं था, सही था ब्रेक वगैरह सब, कुछ भी ना था, गांजा पी रखा था उसने। फिलहाल कोई हताहत नहीं है, लेकिन माल की बात करें तो इनका काफी नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कहीं गाड़ी का ब्रेक तो फेल नहीं था, लेकिन इनका आरोप है कि वो नशे में था, इस वजह से ये हादसा हुआ। इसमें मौजूद हूँ मैं राम कुमार मार्ग झंडे वाला मंदिर के पास। शाम आपको बताएंगे, रात को करीब 2 बजे टैंकर जो होता है वो तेज रफ्तार में, ये झुग्गी को दिखाना चाहेंगे, ये झुग्गी है राम कुमार मार्ग पे, काफी दिनों से लोग यहाँ पे रह रहे थे। आप देख सकते हैं कि इस झुग्गी से जो टैंकर तेज रफ्तार था, करीबन बता रहे उसकी 70 से 80 की स्पीड में इस झुग्गी पे चढ़ाव जो भी है, और पहले कैंटर में मारने के बाद ये जिस तरीके से इनकी जो चारपाई है, ये लोग यहाँ लेटे हुए थे, लेकिन सूत्र है ऊपर वाले का कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन 3 लोगों को घायल बताया जा रहा है। दिखाना चाहेंगे इस तरह से सर्विस कैमरे दिखाएंगे, या आप देख सकते हैं किस तरीके से जो दीवारे हैं टैंकर अंदर घुसा, फिर जब उसके बाद जो है इन लोगों ने 100 नंबर फोन किया, पुलिस मौके पर आकर के टैंकर को बाहर निकाला, और जो यहाँ पे लोग हैं ये इनको भी बाहर खींच खींच के निकाला गया, जिसमें एक बुजुर्ग माता जी और उनके बड़े बेटे को चोट आई है और एक छोटा सा बच्चा जिसके सर में चोट आई। लेकिन कहीं सवाल उठता है जो तेज रफ्तार का होता है, सामने ट्रैफिक का जो रेड लाइट लाइट है वहां से गुजरते हुए टैंकर में भिड़ने के बाद फिर इन झुग्गियों पे आकर के जो है टैंकर घुसता है, उसके बाद उसके साथ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो टैंकर घुसा है क्या कहेंगे आप। ये आप यही रहते हैं? हाँ जी। कितने बजे की घटना है ये? 2 बजे घटना जो है। क्या हुआ था, कौन सी गाड़ी थी? उनके भी काफी चोट आई है सर में, पसीने पे काफी चोट आई है उनके भी। ठीक है।
अभी देखा कि जिनकी ये झुकी है जो यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे रहते हैं, इनका सीधा सीधा आरोप है, जो तेज रफ्तार गाड़ियों का कहर है वो देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं कि 70 से 80 की स्पीड में तो पहले टैंकर गाड़ी में मारता है, उसके बाद सीधा झुकी में जा घुसता है। लेकिन गलीमत यही रही, किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल की बात की जाए तो तमाम जो इनके व्यवस्थाएं थी, ठंड का महीना था, चारपाई हो या दीवार हो, तमाम चीजें ध्वस्त की। कैमरामैन पंकज के साथ गौतम तिवारी, न्यूज 24 दिल्ली।